पानी पीने का अधिकार तो सबको मिला हुआ है, शायद इसीलिए शुद्ध पानी की उपलब्धता को संवैधानिक अधिकारों में शामिल किया गया है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी किसी राज्य की सरकार ने अपनी जनता को साफ पानी भी उपलब्ध नहीं कराए। खबर छत्तीसगढ़ की है, जहाँ हालात कुछ ऐसे ही है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 19 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की सरकारें बस्तर के ज्यादातर इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। खास बात तो ये है कि मासूम बच्चों से लेकर जवान बूढ़े सभी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 300 किलोमीटर दूर बस्तर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बस्तर इलाके को लाल आतंक का गढ़ माना जाता है। यहाँ नक्सलवाद की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग नक्सलवाद का दंश तो झेल ही रहे हैं, इसके अलावा लाल पानी पीने को भी मजबूर हैं। बस्तर के ज्यादातर इलाकों में हैंडपंप में फ्लोराइड युक्त लाल पानी निकलता है, और यही लाल पानी इस इलाके के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। हालांकि सरकारें इन इलाकों में साफ पानी उपलब्ध कराने के कई दावे करती नजर आती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखने के बाद समझ में आता है कि सरकार के दावे यहां आकर पूरी तरह से दम तोड़ देते हैं। फ्लोराइड के कारण कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, हड्डियों में जकड़न, सांस फूलने की बीमारी, किडनी की समस्या, दांत में सड़न की समस्या आती है। जब हमारे संवाददाता ने बस्तर जाकर वहाँ का हाल जाना तो हम भी चौंक गए। इस रियलिटी चेक रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए, जिसमें इस समस्या के जड़ तक पहुंचने की कोशिश की गई है। यहाँ के ज्यादातर हैंडपंपों को चिन्हित कर दिया गया है कि इन हैंडपंपों से पानी पीना खतरे से खाली नहीं हो सकता। यहाँ पर बाकायदा लाल चिन्ह भी लगाया गया है, इसके अलावा इन हैंडपंपों में बंद का निशान भी लगाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चे हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें नहीं पता है कि किस हैंडपंप का पानी पीना नुकसानदायक होता है। इसलिए ये बच्चे जैसे ही आंगनबाड़ी से छुट्टी मिलती है तो यहाँ पर आते हैं और बकायदा इन पानी को पीते हैं। ये दिखाना चाहता हूँ अपने कैमरामैन के माध्यम से, ये देखिए, ये यही वो लाल पानी है, ये आपको दिख जाएगा, बंद कर दीजिए आप हैंडपंप, यही वो लाल पानी है जो इस इलाके के लिए जहर बन चुका है, और इसी लाल पानी पीने की वजह से लगातार दांतों में समस्या हो रही है, हाथ पांव में जकड़न हो रही है, इसके अलावा छोटे छोटे मासूम बच्चों को किडनी की समस्या हो रही है। इस पूरे इलाके में एक लाल आतंक भारी समस्या है, और इसके अलावा जो है यहाँ के लोग मजबूरन लाल पानी पीने को भी मजबूर हैं। ये बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार इन बच्चों को शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मजबूरन ये बच्चे हैंडपंप का पानी पीने को मजबूर हैं, जिन हैंडपंपों से फ्लोराइड युक्त लाल पानी आता है, और लाल पानी पीने के कारण इन बच्चों के दांत पर असर होता है, और उसका सीधा असर किडनी पर होता है। ये देख सकते हैं इन बच्चों के दांत पूरी तरह से पीले हो चुके हैं, दांतों में समस्या आ गई है, ये फ्लोराइड युक्त पानी पीने से होता है। बस्तर के ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ लाल पानी की समस्या भारी समस्या है। जो छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका है, इसे लाल आतंक का गढ़ कहा जाता है। पहले तो इस इलाके के लोग नक्सली समस्या से काफ़ी जूझ रहे हैं, नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती बना हुआ इस इलाके में। बाकी दूसरी जो समस्या है कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण इन बच्चों को एक तो लाल आतंक का सामना करना पड़ता है, दूसरा मजबूरन लाल पानी पीना पड़ता है, जिसके कारण इन बच्चों का भविष्य धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। क्योंकि ये बच्चे अगर तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, इनका खान पान और शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, तो ये बच्चे अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, और आने वाले दिनों में किसी न किसी तरह की समस्या से ग्रसित हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र लकड़ा। नरेंद्र जी, बताइए कि इन बच्चों को जो है फ्लोराइड युक्त पानी पिलाया जाता है, इनके दांतों में जो है पीलापन आ चुका है, दांत सड़ गए हैं, इसके अलावा हड्डियों में सीधा असर दिख रहा है इसका। जी जी सर, आप बिल्कुल सही बोले, क्योंकि हम लोग के पास पिलाने के लिए हम लोग के पास हैंडपंप भी है, इसके अलावा कुछ दूसरा सुविधा नहीं है। तो हैंडपंप में तो लाल पानी फ्लोराइड युक्त पानी आता है, तो क्या आपने राज्य सरकार से गुहार नहीं लगाई कि शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए कम से कम? नहीं, एक दो बार हम लोग कोशिश किए थे सर, आवेदन भी दिए थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया।
तो फिलहाल हम लोग के पास बस यही है अभी तक। और आप लोग घर से पानी लाते हैं कि आप लोग भी मजबूरन यही पानी पीते हैं? कभी कभी हम लोग घर से भी लाते हैं, नहीं तो मजबूरी में यही का पानी पीते हैं हम लोग भी। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों की आंखें खोल देंगी, जो दावा करते हैं कि अपने लोगों को वो शुद्ध पानी उपलब्ध करा पा रहे हैं, लेकिन बस्तर के ज़्यादातर इलाके के लोग और साथ ही स्कूल के मासूम बच्चे मजबूरन गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ये देख सकते हैं कि ये गंदा पानी जो है, लाल पानी जिसे कहते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि इस पानी में आयरन ज़्यादा होता है और आयरन ज़्यादा होने के कारण ये पूरी तरह से लाल हो जाता है। मतलब एक तो यहाँ लाल आतंक एक बड़ी समस्या है, दूसरा ये लाल पानी, और यही पानी जो है बच्चे पीते हैं, जिसके कारण इनको फ्लोराइड जैसी बीमारी होती है, जिसके कारण यहाँ के जो बच्चे रहते हैं उनके दांत पूरी तरह से पीले हो जाते हैं, दांत धीरे धीरे गलना शुरू हो जाते हैं और हड्डियों में समस्या आने लगती है, साथ ही जो है किडनी की समस्या ज़्यादातर बच्चों को होने लगती है। ये यहाँ की स्थानीय महिला है और इसी तरह का फ्लोराइड पानी पीने के कारण जो है इनकी कमर टेढ़ी हो गई है, हाथ पाँव में जकड़न हो गई। इसके अलावा ये देख सकते हैं ये जो हड्डियां हैं पैरों की, ये पैरों की हड्डियां जो है ये फ्लोराइड युक्त पानी पीने से पैरों की हड्डियां इस तरह से हो जाती है, इस तरह से ये निकलने लगता है। इसके अलावा ये एक और महिला है, इनकी देख सकते हैं ये फ्लोराइड युक्त पानी पीने के कारण ही जो है इस तरह की चीज़ें निकलने लगती है, कूबर निकलने लगता है, कमर लगातार टेढ़ी होने लगती है। और ख़ास तौर पर बात ये है कि और भी जो महिलाएं उन्हें कई तरह की समस्या होती है। क्या हाथ पांव में दर्द होता है? हाँ, दुका पाका, आटा दुका, गट गटने, दुका पाका, पेट दुका। तो पेट में भी समस्या होती है, तो किडनी की बीमारी भी होती है, दुका पाका से आ जाना मन के। तो जब आप लोग ये पानी पीते हो तो छोटे बच्चे हैं उनको तो कई तरह की बीमारी होती है, पेट दर्द होता है छोटे बच्चों के? हाँ, दुका पाका। ये और कई महिलाएं हैं देख सकते हैं यहाँ पर, तमाम बच्चे हैं। तो यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो भी यहाँ पर फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ की महिलाएं, यहाँ के जो ज़्यादातर पुरुष हैं वो भी फ्लोराइड युक्त पानी पीते हैं। ये बताइए कि फ्लोराइड युक्त पानी जो है, जो गंदा पानी है, वो कब से पी रहे हैं? बहुत पहले से ही पी रहे हैं क्या आप लोग? 20 साल ज्यादा हुआ सर। अच्छा, मतलब छत्तीसगढ़ बने जो है 19 साल हो चुके हैं। 19 साल से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तब से आप लोग गंदा पानी पी रहे हैं, उसके पहले से भी नदी का पानी पीते थे? आप लोग छोटा छोटा रहा उस समय से पीता रहा था। अच्छा, दांत दिखाइए आप अपने। ये मैं कैमरामैन से कहूंगा इनके दांत दिखाने की कोशिश करें। दांत में दर्द होता है और क्या क्या होता है? दांत में भी दर्द होता है, दांत हिलता है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पेट दर्द होता है, ये कुबड़ा होता है। अच्छा, तो किडनी की बीमारी भी हो रही है क्या? हाँ, लोगों को पेट में दर्द होता है, किडनी भी हो सकता है, तो तुरंत खत्म हो जाती है तो किडनी बोला जाता है उसको। अच्छा, हाँ। बहरहाल जब हमारे संवाददाता ने प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों में साफ पानी की व्यवस्था के साथ ही DMF फंड के इलाके से लाल पानी की समस्या को दूर करने की कवायद शुरू होगी। आप भी जानिए मंत्री ने क्या कहा। ठीक है, मैं चिन्हित करवा लूँगी ऐसा आंगनबाड़ी जहाँ पे बहुत ही आवश्यकता है वहाँ मैं पहले प्राथमिकता दूंगी और धीरे धीरे मैं सारे आंगनबाड़ियों में RO की व्यवस्था कराऊंगी। फिलहाल जहाँ एक तरफ देश में टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए सरकार तरह तरह के प्रोजेक्ट ला रही है, देश में बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही है, ऐसे में अगर जनता की मूलभूत सुविधाएं भी उन्हें ना मिले तो फिर ये शर्मनाक है।